आप देख रहे हैं लोकल वोकल और मैं कीर्ति। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो 2000 सालों तक भारत के हर घर का हिस्सा थी, जो आपके हमारे दादा परदादा के स्वास्थ्य का रहस्य थी। लेकिन आज हम अगर बात करें पिछले 30-35 वर्षों से तो हर घर से, हर जगह से वो गायब होती चली गई। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मिट्टी के बर्तनों। यानी कि देख सकते हैं आप कि किस तरह से फूलों की सजावट वाले और अलग तरह के जो है घड़े आ चुके हैं। अब सबसे अहम आ जाता है कि ये मिट्टी के घड़ों के जिस तरह से ये घड़े बिकते हैं, इसके लाल भी उतने ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। मिट्टी के घड़ों में आप पानी पीने से कई स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर अलग अलग तरीके के आप देख सकते हैं कि किस तरह से हांडी, जिस हांडी का स्वाद लेने आजकल हर कोई रेस्टोरेंट भागता है, रेस्टोरेंट जाता है ताकि इस हांडी का स्वाद मिल सके। पुरानी प्रथा को दोबारा से लाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि ये मिट्टी के बर्तन कितने ज़रूरी हैं आपके हमारे लिए। वो दुकानों पर पहुँच रहे हैं, लोग ले रहे हैं घड़े क्योंकि उन्हें भी पता चल रहा है। तो चलिए हम कुछ लोगों से जानते हैं, कुछ समझते हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है? शालिनी। शालिनी जी, मिट्टी का घड़ा आप लेने आई हैं, क्या इसका आपको पता है कि क्यों इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी का घड़ा? क्योंकि हम मिट्टी से जुड़े रहे हैं। मिट्टी से जुड़े, ये तो शालिनी जी ने बहुत अच्छी बात करी, लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य के भी बहुत लाभ है। ये पहली बात तो हमारे पानी को शुद्ध करता है, ठीक है, और ये शीतल पानी देता है जो कि आजकल फ्रिज में जो पॉसिबल नहीं है, जो हमारी बीमारी का कारण है। बिल्कुल सही बात बोली शीतल जी ने। लगता नहीं है कि हमारे जो पूर्वज या हमारे दादा परदादा थे वो मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते थे और कहते थे कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लाभदायक, लेकिन आज कहीं गुम से हो गए, खो गए हैं। क्योंकि हम लोग मॉडर्न ज़्यादा हो गए हैं। क्या लगता है दोबारा से एक बार फिर से इन मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। आपका क्या नाम है? जी, मेरा अलका प्रजापति नाम है। अलका जी, अलका जी क्या लगता है मिट्टी के बर्तनों से जितना बेनिफिट मिलता है? मिट्टी के बर्तन हम लोग तो कुम्हारे ही हैं, क्योंकि अच्छा। हमारे तो हमारे जाति में ही ये बर्तन बनते हैं। हमारे बाबा जी बनाते थे, हमारे चाचा जी अब भी बनाते हैं गांव में, लेकिन मिट्टी के बर्तन मुझे बहुत पसंद है, मैं हर गर्मियों में ले जाती हूँ। अच्छा। मिट्टी के दिए बनते हैं, मिट्टी का कुल्हड़ बनता है, मटके बनते हैं, हांडियाँ बनती हैं, मतलब बहुत चीज़ें बनती हैं, मेरे बाबा जी बहुत बनाते थे। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, आजकल ये जो मिट्टी के इस तरह के जो बर्तन आ रहे हैं, ये इस तरह के बर्तन जो आ रहे हैं, क्या ये थोड़े, अगर हम बात करें तो ये केमिकल इसमें क्योंकि यूज होता है, तो कहीं ना कहीं केमिकल यूज होगा, क्योंकि अगर केमिकल इसमें नहीं पड़ेगा तो इसमें मजबूती नहीं आती है, इस वजह से थोड़ा मजबूत करने के लिए इसको बनाया जाता है। अच्छा, मुझे, मैं ये जानना भी चाहूंगी कि आप कुम्हार के तरीके पे पहले जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, व्यापार चलता था, और आज में क्या बदलाव आप देखते हैं? आप में बदलाव ये है कि आजकल सब लोग अपने अच्छे अच्छे बर्तन मॉल से लाने लगे हैं, इनको सब भूल गए हैं, इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। सब लोग कहते हैं गंदी मिट्टी है, पता नहीं कहाँ से लेके आए, क्यों यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग तो यही यूज़ करते चले आ रहे हैं। आप तो कुम्हार हैं, आपको तो पता है कि उसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं, जितना मैं बता पा रही हूँ अगर मैं सही हूँ तो, उसी वजह से वो खाना जो है वो अच्छे से पक भी पाता है, क्योंकि वेपराइजेशन अच्छा होता है। अगर मिट्टी अच्छी होती है तो बंद, कभी कभी क्या होता है कि गैस पे चढ़ाते हैं तो तुरंत टूट जाता है, तो खाना भी खराब हो जाता है, क्योंकि मजबूती से नहीं बनाते। कोई कोई कच्ची मिट्टी का बनाते हैं, उसमें मजबूती नहीं होती है, पहले जैसी मिट्टियाँ नहीं रह गई हैं। अब तो कोई भी मिट्टी उठा के बना देते हैं और गैस पे चढ़ाते हैं तो वो टूट जाता है। अब आप देख सकते हैं कि भैया घड़ा टूट गया है, क्या हुआ है इसमें? नहीं नहीं, टोटी लगा रहा है। टोटी लगा रहे हैं, नल लगा रहे हैं भैया। तो ये किस मिट्टी से लगा रहे हैं? ये मिट्टी नहीं, एमसील है। एमसील से लगा रहे हैं, तो भैया ये नुकसान नहीं करेगा? नहीं नहीं, नुकसान नहीं, बाहर में रहेगा ना। भैया इस बार क्या लग रहा है, हर बार के साल की तरह इस बार भी कमाई अच्छी हो रही है? नहीं, पेपर तो ठंडा है, अभी गर्मी पर आ गया है। क्या इस बार के भाव क्या है सब चीजों के? अलग अलग साइज के हिसाब से। साइज के हिसाब से अगर हम इसी मटके की बात करें तो क्या है इसका दाम? ये 250 रुपए का है। 250 रुपए का है, अच्छा, और मोल भाव करते हुए कितना पहुंच जाता है? 200-220 रुपए तक भैया बेच रहे हैं। और ये इस घड़े की बात थी, अगर हम और बाकी घड़ों की बात करेंगे तो उसके दाम हर के बदल जाते हैं। मिट्टी के ये जो होते हैं गमले, इसमें पौधे कहते हैं बहुत अच्छे से, सिंचाई पौधों की बहुत अच्छी होती है। इस तरह के गमलों का भी आजकल घरों में ज़्यादा नहीं देखने को मिलते, क्योंकि फैंसी चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं। आंटी क्या नाम है आपका?
शशि रेजा। शशि जी नमस्ते, क्या लेने आई हैं आप भी मटका ले रहे हैं? खड़ा लेने आई हैं। अच्छा, खड़ा लेने आई हैं, मतलब ऐसी गर्मी आई है कि हर गर्मी ले जाती है? हर गर्मी लेते हैं, अभी तो घड़े का ही पानी पीते। आप पी रही हैं, ये तो अच्छा काम कर रही है क्योंकि ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, हर चीज के लिए। तो वैसे भी फ्रिज का पानी नुकसान ही करता है और मेरा तो गला पहले से ही ठीक नहीं होता है। ये भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो सुबह नुकसान, रूम में रख लेने से बहुत ठंडा हो जाएगा। हाँ, लेकिन देखिए ना कितनी अच्छी खासियत होती है कि अपने आप ही ठंडा हो जाता है छेद से, बिल्कुल नेचर का है ये। तो अंकल आप बताइए, जिसको जिसको फायदे चाहिए वो मटके खरीदे कि नहीं? बिल्कुल खरीदना चाहिए मटके के, मटके में पानी बहुत शुद्ध रहता है और ठंडा भी रहता है और शरीर के लिए बहुत यूजफुल है। ग्लास डाल देती हूँ अंदर, कॉपर का, बिल्कुल सोने पे सुहागा ये, मतलब आपने तो एकदम मेरे दिल की बात कही। मैं उसमें उसके बाद जब घड़ा साफ करती हूँ उसी टाइम वो ग्लास एक बार फिर से चमकाया और कॉपर का भी बेनिफिट मिल जाएगा। पानी पीजिए, सेहत को स्वस्थ रखिए और हाँ जितना ज्यादा हो सके उतना मैं कहूंगी फिर अपनी जो जमीनी चीजें हैं उनसे जुड़िए, मिट्टी के बर्तनों में खाना भी पकाइए। आप एक बार मिट्टी और एल्यूमिनियम में पका के देख लीजिए, आपको खुद ब खुद जो अंतर है वो पता चल जाएगा। और ऐसे ही वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। लोकल वोकल पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि लोकल चीजों से जुड़ी हुई चीजें आप तक पहुंचती रहेंगी। देखते रहिए लोकल वोकल।